हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बताना जरूर आप लोगों से। आज देखिए हम लोग पता नहीं किधर घूमने जा रहे हैं। सब लोग पलटन उलटन है कपड़ा। देखिए रोड पे पहुंचे अभी घर से निकल के। यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आके रुक गए हैं। रिक्शा हमने छोड़ दिया, अब हमें ट्रेन में बैठना है। तो अभी दो लोग का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे फिर हम ट्रेन पे बैठेंगे। पैदल ही चलना है तो बहुत ही दूर है, यहाँ से पैदल ही हम जाएंगे। सारे बच्चे यहाँ पे उतर गए हैं, सब लाइन से चल रहे हैं यहाँ पे। ये ऊपर का रोड भी चाहिए। चलिए फिर हम चलते हैं जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ठंडा कुंड, गर्म कुंड। जो मुंबई से बिलोंग करते होंगे उन लोग को पता होगा कि यहाँ पे ठंडा कुंड और गर्म कुंड है। मतलब कि इसमें गर्म पानी एक तरफ और एक तरफ ठंडा पानी है। तो ये अपने आप भगवान की शक्ति से होता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत साल से यहाँ पर ठंडा कुंड और गर्म कुंड का पानी लगता है। चिढ़ा रही है, बोल रहा हूँ पहले से आपको एक बार बता दे, जो ज्यादा आगे जाएगा। गहरा है, पागल नहीं। चल अरे ले निकालो कपड़ा चप्पल।
अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ का भी दर्शन हो गया है, तो अभी हम चल रहे हैं और जगह का दर्शन करने। यहाँ पे सारे बच्चे घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं, मतलब शिरडी के ही जैसे बना हुआ है यहाँ का मंदिर, एकदम सेम शिरडी के ही जैसे बना है, बहुत ही सुंदर है। और नीचे भी बहुत अच्छी लादी लगी हुई है, और यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। चलिए फिर यहाँ के भी दर्शन हो गए हमारे शिरडी साईं के, तो हम चल रहे हैं घर पे। ये हम आए हैं, हमने रिक्शा कर लिया है, रिक्शा वहाँ पे रुका हुआ है, अब हम चल रहे हैं अपनी रिक्शा पकड़ेंगे। और अब कहाँ दर्शन करना है वहाँ पे भी जाना है, और हम लोग एकदम थक चुके हैं यहाँ पे सारे बच्चे।